खरीदारी के मौके भी तलाश सकते हैं। राजस्थान से मनोज जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर ले। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? वोडाफोन आइडिया सेल ले रखते हैं, फिर से बताइए। यहाँ 16.50 रुपए में 15,000 से है, इनको क्या किया जाए? अच्छा ओके, 9.50 रुपए की खरीद, 15,000 शेयर, और व्यू कब तक का रख रहे हैं? व्यू क्या है, बस 2-3 महीने का है बस। अच्छा, 2-3 महीने के लिए वोडा आइडिया रखना चाह रहे हैं। सर मुनाफा तो अच्छा कमा लिया इन्होंने फिलहाल, मूवमेंट भी हमने देखा काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। टैरिफ बढ़ोतरी के बाद तो टेलीकॉम सेक्टर में हमने देखा ही काफी अच्छा हम मूवमेंट देख रहे हैं, पर 2-3 महीनों के लिए अब इस स्टॉक में आपको क्या राय लग रही है? ये मेरा तो पहला सलाह ये होगा, अब इतना शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ लेते हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो आप स्टॉप लॉस लगा के ऑपरेट करिए कि एक लेवल के नीचे आता है तो आप तुरंत इसमें एग्जिट ले लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अच्छा ट्रैक्शन है जैसे स्वाति जी कह रहे थे, बहुत कुछ इस क्षेत्र में हो रहा है। वोडाफोन आइडिया कंपनी स्पेसिफिक भी इन्होंने राइट्स इशू किया है, फंड रेज कर रहे हैं, जो कि बहुत सख्त जरूरत थी। 5G स्पेक्ट्रम भी खरीद रहे हैं, उसके लिए बिड भी किया है, और ये स्पेक्ट्रम 4G में बिजनेस बढ़ाने की जरूरत है। कस्टमर जो लॉस हो रहा था वो रोकना बहुत जरूरी था, तो ये सारी चीजों के लिए फंड रेजिंग जरूरी था, वो हो रहा है। और दूसरी बात है, टैरिफ बढ़ना बहुत जरूरी था, आरपू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ना जरूरी था, वो भी हो रहा है। सारा इंडस्ट्री ने टैरिफ बढ़ाया है तो उसका भी फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा। तो अभी सारे जो संकेत है पॉजिटिव है, पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वोडाफोन आइडिया अभी भी ऑपरेशनली वीक है, और यहाँ पे कुछ भी दबाव आए, फंड रेजिंग ठीक से नहीं हुआ, तो काउंटर में भी बहुत दबाव आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काउंटर में बने रहिए। अगर प्रॉफिट बन रहा है तो बने रहिए, जब करेक्शन होगा तब आप एग्जिट ले लेना, प्रॉफिट बुक कर।